वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं इंसर्ट टैब का एक और नया सेक्शन जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर नाम से आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि ये पेज के ऊपर या नीचे लगने वाली कोई चीज़ है। तो बिल्कुल सही समझे हैं दोस्तों आप। यहाँ पे हेडर का जो मतलब होता है वो होता है पेज का एकदम टॉप पे हमें कोई भी चीज़ बतानी हो तो उसे हम हेडर कहते हैं। फुटर का मतलब पेज के बॉटम में हमें कोई चीज़ बतानी हो तो उसे हम फुटर कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर ऐड कर देते हैं। हेडर के ऊपर मुझे सिंपली क्लिक करना है। कौन से टाइप का हेडर ऐड करना है तो सिंपली ब्लैंक हेडर। एंड यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ या फिर अपनी कंपनी का नाम टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी होते हैं तो वो अपना उनके जो लेटर हेड होते हैं उसके ऊपर कंपनी का नाम टाइप होता है। वो कोई भी फाइल भेजते हैं तो उसके टॉप पर हमेशा कंपनी का नाम शो होता रहता है। तो सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी हम अपने चैनल का नाम शो कर देते हैं केबी टेक इंडिया। तो ये हर पेज पे केबी टेक इंडिया शो करता रहेगा। एंड कैसे इसे एडिट करते हैं दोस्तों वो तो आपको पता ही है। होम टैब में आके हम जैसे मन चाहें उसे एडिट कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट इंक्रीज कर सकते हैं, इसे बीच में ला सकते हैं, इसका कलर हमें चेंज करना वो कर सकते हैं। आपका जैसा मन हो वैसे इसे आप एडिट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड काम होने के बाद सिंपली डॉक्यूमेंट्स में नीचे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम लाइट शेडो उसका आ जाएगा। एंड जो हेडर है वो कभी टाइटल पेज पे नहीं होता दोस्तों। हेडर एंड फुटर कभी टाइटल पेज पे नहीं होता, वो हमेशा टाइटल के नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे केबी टेक इंडिया ये हमारा हेडर आ चुका है। अब बारी है फुटर की। हेडर सब पेज में अप्लाई हो चुका है दोस्तों, बस एक में हमने अप्लाई किया तो वो ऑटोमेटिक सब पेज में अप्लाई हो जाता है। सेम फुटर भी इसी तरह से काम करता है। तो इंसर्ट फुटर हम इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर इंसर्ट हमने किया फुटर एंड यहाँ पर हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल लिख देते हैं। तो यहाँ पर ईमेल यहाँ पे ईमेल हम लिख देते हैं जो मेरा ईमेल है जिसकी मदद से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ईमेल है kbtech.owner@gmail.com। तो यहाँ पे हमारी जो कांटेक्ट डिटेल है वो आ चुकी हैं। तो कांटेक्ट डिटेल हमेशा राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए दोस्तों, तो उसे हम राइट हैंड साइड पे नीचे कॉर्नर में कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। एंड देन हमारे मेन टेक्स्ट में डबल क्लिक तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे आ चुकी हैं। आप चाहे अपना एड्रेस लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं या फिर आपकी कोई कंपनी की वेबसाइट हो तो उसे आप यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर पे, करेंट पोजिशन। एंड यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं पेज नंबर 1 PG1। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर अब ऐड हो चुका हमारा PG1। एक ये स्पेस हमारी खाली रह चुकी है। तो अगर आप चाहें तो अपना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, रैंडम नंबर जैसे कि 9876543210। या फिर आपका कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्तों। देन आप देख सकते हैं ये सभी पेज पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर ऐड हो चुका है। ऊपर वाले पे पेज नंबर 1, नीचे पेज नंबर 2, देन इधर पेज नंबर 3। इसी टाइप से दोस्तों हमारे सभी पेज नंबर पे, सभी पेज पे हमारा पेज नंबर ऐड हो जाएगा।